मुंगेर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 3 AK-47 राइफल बरामद की हैं। बता दें कि पिछले 9 दिनों में पुलिस ने 6 AK-47 राइफल बरामद की हैं। दरअसल पिछले दिनों पुलिस ने जमालपुर के जुबली वेल से मोहम्मद इमरान को 3 AK-47 और 3 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इमरान ने बड़ा खुलासा किया। इमरान ने बताया कि जबलपुर से सेना के रिटायर आर्मर पुरुषोत्तम लाल ने उसे हथियार दिया था। पुलिस ने पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर लिया है। पुरुषोत्तम ने पूछताछ में बताया कि उसने हथियारों से भरा बैग शमशेर को भी दिया है। इस सूचना पर पुलिस ने शमशेर को गिरफ्तार कर AK-47 हथियार बरामद किया। तारीख को 3 AK-47 की बरामदगी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। उसी पूछताछ के दौरान हम लोगों को शक था कि एक बैग और था जिसमें कुछ हथियार थे जो हमारे हाथ नहीं लगा, और इसमें जो व्यक्ति पुरुषोत्तम लाल जबलपुर से हथियार लेकर आया था उसकी गिरफ्तारी जबलपुर में की गई थी, जहां उसने बताया था कि शमशेर आलम नाम के व्यक्ति के पास एक और बैग है जिसमें कुछ हथियार हैं। तो इस सूचना पर STF की टीम ने और जिला पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कल छापेमारी की और शमशेर आलम की गिरफ्तारी की तथा उसकी बहन के घर से हथियार का एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें 3 AK-47 और कुछ और पार्ट पुर्जे बरामद हुए हैं। रिटायर आर्मी पर्सनल पुरुषोत्तम लाल ने जिस तरह से सरकारी आर्मरी से हथियार चुरा कर अपराधियों को बेचा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। आगे जांच कर पुलिस को पूरे गिरोह को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।